सुशांत सिंह डेथ केस में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहा। मैं सारी आपको अपडेट्स बताऊं उसके पहले सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी जो भी लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी देयर इज अ रीजन टू चीयर फॉर, क्योंकि एक नागपुर बेस्ड लॉयर है, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया है टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम मुंबई पुलिस टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये समीर ठक्कर करके एक आदमी है उनके लिए उन्होंने फाइल किया है इस एडवोकेट ने, और कल जो है अगस्त 4 को इस पीआईएल की हियरिंग होने वाली है। तो कल अगर बॉम्बे हाईकोर्ट को अपना डिसीजन देता है तो सीबीआई केस का सीबीआई के पास जाना बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकता है सुशांत सिंह का, और जो फाइट इतने दिनों से चल रही है उसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है इस केस में। सीबीआई के पास जाना मतलब एटलीस्ट अब ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था वो, आप ये वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कितने सारे लैप्सेस नज़र आ रहे हैं अब, और क्या क्या फैमिली ने कहा था और कैसे मुंबई पुलिस ने रिएक्ट किया। तो इसके ऊपर तो यही लग रहा है कि अब सीबीआई के पास अगर केस जाएगा तो एटलीस्ट वो मुंबई पुलिस से तो ज़्यादा ही इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके सामने आएंगी। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए और आई एम श्योर मेरी तरह आप भी उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन मुझ जैसे कई लोग होंगे जो ईजिली ओवरवेल्म हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देखकर उनको पता नहीं चलता कि कौन सा वीडियो देखे और कौन सी डेवलपमेंट फॉलो करें। तो ये वीडियो मैं आपको कोई नेसेसरीली नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी आज हुआ है उसका एक समावेश, उसका एक पूरा कंसोलिडेटेड वीडियो मैंने बनाया है जिसमें वो सारे इंटरव्यूज़ हैं और वो सारी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो अब तक इस केस में हुई और जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए वो मैंने इस वीडियो में डाली है। सबसे पहले तो सुशांत सिंह के फादर का ये वीडियो देखिए जहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने 40 दिन बाद FIR पटना पुलिस के साथ लॉन्च की, क्योंकि जब इनिशियली उन्होंने FIR लॉन्च की थी पटना पुलिस के साथ तो काफ़ी लोगों के मन में ये विचार आया था कि 40 दिन क्यों रुके वो। शायद मेरे मन में भी आया था और मैंने एक वीडियो में बोला भी था, पर उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को पहले अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी तब। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। सुशांत सिंह के पापा की इस वीडियो के बाद आप ये मैसेजेस भी देखिए जो IPS ऑफिसर जो हरियाणा के, जो सुशांत सिंह के ब्रदर इन लॉ भी है जिनका नाम है ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने परमवीर सिंह जो DCP है बांद्रा के, उनको ये मैसेजेस भेजे थे 25 फरवरी को, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया था कि सुशांत सिंह की लाइफ डेंजर में है। उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि रिया जो है वो कुछ ही दिनों की एसोसिएशन के बाद उनके घर में घुस गई हैं और उन्होंने सारा स्टाफ चेंज कर दिया है और उनको डिप्रेशन का क्योर करने के प्रिटेक्स पर एक एयरपोर्ट के पास एक रिसॉर्ट है वहाँ पे ले जाया गया है सुशांत सिंह को। और उन्होंने इस मैसेज में क्लियरली लिखा था कि सुशांत सिंह को बचाना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम दिस मैन्युपुलेटिव ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी लाइफ इज़ एट रिस्क, ये बताया था। और एक बहुत ही बड़ी बात जो उन्होंने इस 25 फरवरी को बताई थी इस मैसेज में परमवीर सिंह को, जो DCP है उनको, वो ये कि बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ पिठानी जो है ही इज़ द क्लासमेट ऑफ सुशांत सिंह, जो उनके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको सारी बातें पता, उनके सारा बैकग्राउंड पता है। दोनों के नंबर शेयर किए थे, सुशांत सिंह का भी और बुद्धा का भी, और कहा था कि ये बुद्धा जो है सिद्धार्थ पिठानी जो है वो आपको सारा बैकग्राउंड देगा इस पूरे केस। लेकिन अगर आप अब सिद्धार्थ पिठानी के बयान सुनो या आप उनकी इंटरव्यूज देखो तो वो पूरी तरह से इस बात को मना करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैंने मेडिसिन दी थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने रिया पे कोई निशाना नहीं साधा है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि फैमिली जो रिया के खिलाफ एक्यूजेशंस कर रही है वो आगे खुलकर एकदम सही तरीके से प्रूव हो, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो सुशांत सिंह की फैमिली है वो उन्हें प्रेशर कर रही है कि वो रिया के खिलाफ बयान दे और ये कहे कि वो 15 करोड़ रुपये लेके भाग गई, और ये सारी चीज़ें वो उनको बोलने के लिए प्रेशर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ सच का साथ देंगे। लेकिन
जब भी आप सिद्धार्थ पिठानी के इंटरव्यूज या उनका कोई भी इंटरेक्शन देखते हो तो देर इज फ्यूर लार्जली रिट ऑन हिज फेस एंड सेकेंडली कन्फ्यूज। एंड में सुशांत सिंह के जो ब्रदर इन लॉ है वो ये कहते हैं कि सुशांत शुड नॉट बी हर्ट, और इसका रिस्पॉन्स डीसीपी परमबीर सिंह कहते हैं रॉजर दैट सर, रॉजर सर करके लिखते हैं। रॉजर का मतलब है कॉपी दैट, मतलब अंडरस्टूड, ओके, इसका मतलब ये है। लेकिन मुंबई पुलिस के इस मैसेज पर ओके कहने के बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत आज नहीं रहे हमारे बीच, और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस एक डर्टी सीक्रेट की तरह बाहर एक करके एक के बाद एक आ रही है। एंड वी टोल्ड यू दैट द फैमिली हैड कंप्लेंड इन फरवरी 2020, द डेट इज आल्सो हियर, 25th फरवरी 2020। रिपब्लिक टीवी वाज द फर्स्ट चैनल टू टेल यू दैट द फैमिली रोट टू द मुंबई पुलिस वार्निंग about the threat to Sushant Singh's life. I want to read out from this. This is the name of the officer to whom the family wrote. I have the copy with me. Republic TV has accessed it. Tuesday, look at the date. Suresha, look at the date. Tuesday, 25th of February. This is this year. And the family said, when the matter went out of hand, Sushant called up my wife to be rescued. Look at this, I'm going to underline the words. Called up my wife to be rescued. He stayed with us 2 or 3 days, went back fine. He went back fine, citing his shooting commitments. He is downhill again. He is downhill again with reports of Ria firing all Sushant's loyal team members and putting her own stooges in place. Her third sister, a Delhi-based lawyer who used to be with him and visit him frequently, is panicky. Look at this, here, see the words, visit him frequently. The sister was panicky that he has surrendered to a manipulative group of people and his life is at risk. Look at this, life is at risk. It's right at the bottom, life is at risk. I'm going to read out once again. If चक्रवर्ती ने अपने डिफेंस में आज ये कहा है उनके लॉयर के थ्रू कि वो एब्सकॉन्ड नहीं कर रही है, शी इज वेरी मच कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन विद मुंबई पुलिस, नॉट विद बिहार पुलिस। अब तक मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने 56 लोगों को, यानी कि 56 लोगों को इन्वेस्टिगेट कर दिया है, और ऑलमोस्ट 50 दिन हो चुके हैं इस घटना को हुए और इन्वेस्टिगेशन को चालू हुए। और लेकिन अब तक पहली बार ये जो है मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो इतने दिनों से कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि क्या हो रहा है इस केस में। वेल, मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज हो गई, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस या ऐसी कोई कंक्लूसिव बात सामने नहीं आई जिसके जिसको जानने के बाद हम ये कह सकें कि केस एक्चुअली में इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है कि जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया है। हाँ, बट जो चीज़ें आज खुलकर आई हैं फैमिली की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने पुराने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किए हैं, जो सुशांत सिंह के फादर ने एक सेल्फ शॉट वीडियो पहली बार निकाला है, पहली बार वो खुलकर आए हैं सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है। और जो तीसरी बात हुई, जो इस मैसेजेस में जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, इन पर्सपेक्टिव दे आर काइंड ऑफ फिटिंग इन विद वॉट एवर द फैमिली हैज़ बीन सेइंग सो फार। और अब जो ये पीआईएल की बात आई है जिसका कल फैसला आएगा, वो सबकी नज़रें उस पर होंगी एंड विल ऑल बी वेटिंग टू सी कि उसमें क्या निकल कर आएगा बॉम्बे हाईकोर्ट से, क्या ये केस फाइनली ऑफिशियली सीबीआई के पास जाएगा या नहीं, इस पर कल बात हो सकती है फॉर श्योर। आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में, अब तक जो अपडेट्स आई हैं उसके बारे में प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। देर इज जस्ट टू मच हैपनिंग अराउंड, टू मच न्यूज़, टू मैनी नेगेटिव थिंग्स, टू मैनी रूमर्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड। मेरा बस यही होता है कि अगर मैं कुछ नई चीज़ आपको दिखा सकता हूँ तो वो तो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अगर मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको तो एटलीस्ट आई विल कंसोलिडेट एवरीथिंग। बस यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको अप टू डेट रखा जाए और आपको जो सही सही चीज़ें जो फैमिली की तरफ से आ रही है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से आ रही है वो आपको दिखाई जाए। थैंक यू सो मच।